इसलिए यहाँ पर आए। ये वलीवार जो है, ये वलीवार जो इन्हीं बुजुर्गों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, इन्हीं वलियों की वजह से यहाँ से पीर अकबर शाह साहब रहमतुल्लाह अला निकले। जम्मू कश्मीर पे लाखों नौजवानों के सीनों को मरफत इलाही से मुनव्वर किया। अल्लाह ताला इनके रोजों को भी मुनव्वर करे और इस खानदान को आगे चलने की सआदत बख्शे। अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्श कदम पर जो उन्होंने बताया है रास्ता, उन पर चलने की तौफीक हमें अता करे। अम्मा बाद मेरे काबिल एहतराम हजरात, ये हमारे वालिद मोहतरम थे जिनके इंतकाल के सिलसिले में पूरी दुनिया से, पूरी रियासत से यहाँ लोग तशरीफ़ लाए। मैं अपना तारुफ़ दे दूँ, सैयद वारिस बुखारी जो सदरी मरकज़ी राबता आइमा मसाद जम्मू कश्मीर भी हूँ और इमामत की फ़राइ श्रीनगर में अंजाम दे रहा हूँ। ये मेरे वालिद मोहतरम थे जिनका बहुत बड़ा एक सिलसिला रहा है रूहानी सिलसिले के हिसाब से, पीर व तरीक़त के हिसाब से। तो आज की उनकी दुआया मजलिस में काफ़ी दूर दराज से लोग तशरीफ़ लाए और यहाँ इनकी दुआया मजलिस में शिरकत की है। आपकी वसादत से बिलखसूस मैं मीडिया का और यहाँ के अवाम का, उलमा का, अइम्मा का, चाहे वो सियासी हो चाहे वो समाजी हो, जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत गमजदा है हम इस वक्त, बहुत फिराक है हमें
अल्फाज नहीं हैं किन अल्फाजों से हम पेश करेंगे, तो लहजा हमें पूरी उम्मीद है ये जो इनके फर्जंदे अरिजमंद मोहतरम सैयद सरवर शाह साहब बुखारी साहब, मोहतरम वारिस शाह साहब, अक्सर शाह साहब, मुबारक साहब जितने भी हैं, ये इन यही मिशन रखेंगे आगे जो हमारे पीर मुर्शिद मोहतरम मुकाम मोहम्मद अमीन बुखारी साहब नक्शबंदी साहब ने रखा है। और ये हकीकत है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के वली ये मरते नहीं, ये ज़िंदा है, ये हमें देखते हैं, तो हमें अल्लाह ताला इतना तौफीक अता करे कि हम भी इनको देखें। और इनके वसादत से जम्मू कश्मीरी नहीं पूरा हिंदुस्तान। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मौलाना मोहम्मद पीर अलहाज सैयद अमीन शाह नक्शबंदी मजदिया रहमतुल्लाह अलैह हमारा इलाका और बिलखसूस खलीफा ख़ानदान निस्बत के बहुत ही बड़े बानी थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रूहानियत के लिहाज से पूरा जम्मू कश्मीर बल्कि बहुत सारे ममालिक में इनका आना जाना और बहुत सारे इनके मुराइदीन थे, और इस लिहाज से बच्चे औरतें मर्द अपनी बहुत सारी मुश्किलातों को ले कर इनके पास आते थे। जिस तरीके से आज मरीज़ बड़े बड़े डॉक्टरान साहिबान के पास जाते हैं, उसी लिहाज से रूहानियत के लिहाज से तमाम जितने भी लोग थे वो इनके पास आते थे। आज इनके जाने से हमें पूरे इलाके को बिलखसूस हमारे पूरे ख़ानदान को बहुत बड़ा सदमा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इनकी नस्ल में से आज जो हमारे पीर अक्सर शाह साहब और सैयद मुबारक शाह साहब को जो आज दस्तारबंदी हुई है, तो अब जो लोग पहले आते थे जिस तरीके से फैज़याब होते थे उसी तरीके से अब इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। या जो वालिद साहब के जाने का सदमा हुआ वो तो हम कभी भूल नहीं सकते और उनकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते। और दस्तारबंदी इस हवाले से की गई है कि अपने भाइयों में से सबसे लास्ट पर मैं ही हूँ और अपने वालिद साहब के साथ मैं मुकर्रर यहाँ पर रहा अपने वालिद साहब के साथ, और उसके बाद हमारी रहबरी तो हमारे बड़े भाई मौलाना सैयद वारिस साहब जो हमारी रहबरी करेंगे। तो इस हवाले से मेरा जो पहले से एक मिशन चल रहा था कि मैं लोगों की खिदमत करूं।